जंगल में भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा 5 भूतिया बच्चों के साथ रहती थी। वो उनका बहुत ख्याल रखती थी, वो उनकी हर इच्छा को पूरा करती। ऐसे ही एक रात वो अपने बच्चों को सुला रही थी। अरे गोलू, सब बच्चे सो गए, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? चाची माँ, मैं समझदार हूँ ना, बड़ा भी तो हूँ, तो क्या आप मेरी बात का जवाब देंगी? आप हमारी चाची माँ हैं, पर आप प्यार तो हमें माँ की तरह करते हैं, फिर हमारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारी माता पिता हमसे बहुत दूर हैं, इतनी दूर है कि वहाँ हम कभी नहीं जा सकते। कुछ समय पहले की बात है, जब तुम भी नहीं थे, घर में बस तुम्हारी दादी बबली और जेठानी जी यानी कि तुम्हारी माँ सुंदरी कांती रहती थी। 2 महीने पहले ही चीची का प्लेन क्रैश के दौरान देहांत हो गया। ऐसे में माँ जी और जेठानी जी का रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर एक दिन, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तुझसे मिलने के लिए कितना तरस रही थी। और ये क्या है, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, आप चिंता मत करिए, टूनी बहुत अच्छी चिड़िया है, इसे घर के सारे काम बखूबी तरीके से आते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू, जरा आरती की थाली लेकर आना, नई बहू का स्वागत करना है। बबली की आवाज़ सुनकर सुंदरी कौवी अंदर से आरती की थाली लेकर आती है। उसकी नज़र अपने देवर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाती है। कालू अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ अंदर आता है, तभी सुंदरी कौवी कहती है, अरे देवर जी कितने बदल गए हैं, मेरा तो उन्हें देखकर ही दिल डोल गया है। सुंदरी कौवी उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन कालू टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। एक दिन टूनी अपनी माँ बनने की खबर अपनी सास को देती है। अच्छी बात है बहू, सुंदरी ने तो मुझे कोई खुशी नहीं दी, तूने ही दे दी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो जादू टोना सीख कर टूनी पर जादू टोना कर देती है, जिससे वो अपने बच्चों को खो देती है और कभी माँ नहीं बन पाती। इस खबर से टूनी टूट जाती है, धीरे धीरे कालू से दूर होने लगता है और अपनी भाभी से प्यार करने लगता है। वहीं एक दिन, कब तक हम दोनों को एक दूसरे से और दूर रहना पड़ेगा, शादी कर लो मुझसे और उस टूनी नाम के कांटे को हटाओ। तुम चिंता मत करो, उससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो, तो तुमसे तो शादी करनी ही होगी, आज ही उसका किस्सा खत्म कर दूंगा। वहाँ से गुजरते हुए उनकी ये सारी बात टूनी चिड़िया सुन लेती है। धोखा धोखा दिया है आप दोनों ने मेरे साथ। कालू तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों किया? मैं माँ जी को तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ये बात सुनकर सुंदरी कौवी से चाकू घोप कर मार डालती है, जिसके बाद वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बन जाती है। तभी बबली कबूतरी वहाँ आती है और अपनी बहू टूनी चिड़िया को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाती है। फिर कालू सुंदरी से झूठ बोलते हैं। कैसे दोनों झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, आखिर जो चाहती थी वही हुआ, लेकिन मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी। कुछ समय बाद कालू और सुंदरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनके 5 बच्चे पैदा होते ही कमजोरी के कारण मर जाते हैं। तुम 5 बच्चों के मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ गई और मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह पालने लग गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी। मैं तुम्हारी चाची हूँ और वो तुम्हारे पापा थे। चाची माँ, आप बहुत अच्छी हो, आपने हम 5 बच्चों को माँ का प्यार दिया और माँ पापा ने आपको धोखा दिया, वो बहुत गंदे थे। ऐसा कहकर गोलू भी सो जाता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, जहाँ आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होती है। माफ करना बेटा, मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई, वो ये कि जीते जी तुम 5 बच्चों को मार कर तुम्हारी आत्मा को कैद कर अपने साथ लेके आई, ताकि बच्चे खोने का दर्द मैं सुंदरी कौवी की आंखों में देख सकूं। वहीं हॉस्पिटल में फूट फूट कर रोते कालू सुंदरी के गले लगकर कहती है, अरे कालू ये क्या हो गया, हमारा 5वां बच्चा भी मरा हुआ पैदा हुआ, क्या हमारे नसीब में भी बच्चे का सुख नहीं है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, टोनी पर मैंने जादू टोना किया था, उसी की सजा मिल रही है मुझे।
मतलब तुमने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी में आग लगाई थी। सजा तो हम दोनों को मिलनी ही थी। मैंने भी टूनी को धोखा दिया। मतलब इसने हर तरफ से मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। आज मुझे उसके पांचों बच्चे छीन कर बहुत सुकून मिल रहा है। लेकिन उन्हें माँ का प्यार दूंगी और उस दिन से आज तक मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रही हूँ। तुम पांचों बच्चे मुझसे नफरत ना करो, सिर्फ इसलिए बच्चों मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने पांचों भूतिया बच्चों के साथ अपनी अलग दुनिया में खुशी खुशी रहती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। फिर एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसके पिताजी की मौत हो जाती है। फिर वो अपना गुजारा करने के लिए छोटी सी लस्सी की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई लस्सी पक्षियों को पसंद आने लगती है और उसकी दुकान चल पड़ती है। लेकिन वही पास में एक ढाबा था। उसकी तरक्की देख कर उस ढाबे के मालिक को बहुत जलन होती है। लस्सी ले लो, लस्सी ठंडी ठंडी लस्सी ले लो, मलाई मार कर लस्सी ले लो। अरे इस चिड़िया के दुकान पर तो सारे दिन पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। इस तरह तो धीरे धीरे अमीर बन जाएगी और एक दिन मेरी तरह ढाबा भी खोल लेगी। मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 67-23 कितने होते हैं। अगले दिन कड़कनाथ से टुनटुनी की दुकान पर पहुँच जाता है और उससे कहता है, सुनो चिड़िया, मुझे तुम्हारा यहाँ इस तरह लस्सी बेचना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा ढाबा नहीं चल रहा है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अंकल, मैं तो सिर्फ लस्सी बेचती हूँ। आपके ढाबे में तो खाने पीने की सभी चीजें मिलती है, फिर मेरी छोटी सी दुकान से आपका क्या नुकसान हुआ? देखो मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन टुनटुनी पर कड़कनाथ सेठ की धमकी का कोई असर नहीं होता और वो लस्सी बेचना जारी रखती है। फिर एक रात मौका पाकर वो टुनटुनी की दुकान में आग लगा देता है और उसकी दुकान जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से दुकान खोली थी, अब मैं क्या करूँगी? इतना कहकर टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ गुजर रही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की नज़र टुनटुनी पर पड़ती है। सुनो चिड़िया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं जानती हूँ। ये सब उस ढाबे वाले कड़कनाथ सेठ ने किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जंगल से ढेर सारी लकड़ियाँ लाकर टुनटुनी के लिए एक नई दुकान बना देती है। उसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी को एक बड़े बर्तन में बहुत सारी जादुई लस्सी बनाकर देती है। आज से तुम ये बनाई हुई लस्सी बेचना शुरू करो, ये जादुई लस्सी है और ये कभी खत्म नहीं होगी। अगले दिन से टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बनाई हुई लस्सी बेचना शुरू कर देती है। पक्षियों को वो लस्सी बहुत पसंद आती है। ये देखकर कड़कनाथ से डाक बबूला हो जाता है। अरे कल ही तो मैंने इसकी दुकान चलाई थी और इसने एक दिन में ही नई दुकान खड़ी कर ली। इसे यहाँ से भगाने के लिए मुझे कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिर रात को जब टुनटुनी दुकान बंद करके घर चली जाती है, तब वो चोरी से उसकी दुकान में घुसकर वहाँ रखी सारी लस्सी के बर्तन में जहरीली दवा मिला देता है। लेकिन वहाँ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बनाई हुई जादुई लस्सी थी, उस पर जहर का कोई असर नहीं होता और अगले दिन फिर से लस्सी बेच कर वो खूब सारे पैसे कमा लेती है। अरे ये क्या हो गया, मेरे जहर का पक्षियों पर कोई असर नहीं हुआ? बस बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उसकी दुकान तोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो बड़ा सा डंडा उठा लेता है और टुनटुनी की दुकान के पास पहुंच जाता है। लेकिन तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसकी गर्दन पकड़ कर हवा में उठा लेती है। पिछली बार तूने इस बेचारे चिड़िया की दुकान चलाई थी और आज तू इसे मारने आ गया, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आज के बाद तू ढाबा नहीं चला पाएगा, ये तेरी सजा है। ये कहकर वो उसका सारा सामान गायब कर देती है। ये देखकर कड़कनाथ सेठ उससे माफी मांगता है, जिसे देखकर वो उसे माफ कर देती है। फिर टुनटुनी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बनाई हुई जादुई लस्सी से खूब पैसे कमाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।
जंगल में बंटी और ही तोता नाम के दो दोस्त रहते थे। एक रात को दोनों वापस अपने घर आ रहे थे, तभी उन्हें भूतिया चिड़िया की आत्मा दिखाई देती है। उसने अपने शरीर पर बहुत सारे गहने पहन रखे थे और उसके गले में एक बड़ा चमकदार नेकलेस भी था। चलो इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का पीछा करके देखते हैं। अगर इसने अपने शरीर में इतने गहने पहन रखे हैं, तो उसके घर में न जाने कितने गहने होंगे। उसके घर पर तो गहनों का खजाना होगा। उसके बाद वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक बड़े से पेड़ के पास रुक जाती है। उस पेड़ पर बहुत सारे सोने के हार लगे हुए थे। ये देख कर हरी तोता के मन में लालच आ जाता है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 560 प्लस 89 कितने होते हैं। अरे नहीं नहीं हरी, इस तरह लालच करना ठीक नहीं है। मुझे ये भूत या चिड़िया की आत्मा बहुत ही डरावनी और खतरनाक लग रही है। अगर इसने हमें देख लिया तो ये हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे जरा सोच, इस नेकलेस की मदद से हम दोनों अमीर बन सकते हैं। हमारे पास भी हर ऐशो आराम की चीजें होंगी, इसलिए हमें थोड़ा सा खतरा उठाना ही होगा। ये देख, मेरे पास बेहोश करने वाली दवा है। इतना कहकर हरी तोता उसके बगल वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और बेहोश करने वाली दवाई उसके ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर वो दोनों भूतिया चिड़िया की आत्मा का जादुई नेकलेस लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, चलो जादुई नेकलेस हमें खाना ला दो। ये कह कर वो सार के जादुई लाल बटन को दबा देते हैं और उनके सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब वो दोनों जादुई हार से खूब मजे करते हैं। फिर एक रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता को पकड़ लेती है। मेरा जादुई नेकलेस चुरा कर तो यहाँ मजे कर रहा है। जादुई हार की ना होने की वजह से मैं इतने दिनों से एक भी पक्षी का खून नहीं पी पाई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। ये कहकर वो हार अपने गले में डाल लेती है और हरी तोता को खूब मारती है। अरे हरी, मैंने तुझे हार चुराने से मना किया था ना, लगता है अब ये हम सबको मार कर खा जाएगी। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। तुम सबका खून पीकर मैं अपनी प्यास मिटाऊंगी। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं। तभी वहाँ काली गुफा का तांत्रिक आ जाता है। तांत्रिक भूतिया चिड़िया की आत्मा की आंखों में जादुई पानी डाल देता है। अरे क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तभी तांत्रिक उसके गले से वो जादुई नेकलेस निकाल लेता है और उसके सर पर डंडे से वार करने लगता है। देखते ही देखते उसका शरीर बहुत छोटा हो जाता है। फिर तांत्रिक उसे उठाकर एक बोतल में बंद कर देता है। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी। देखो इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन दोबारा लालच में आकर किसी भूत या चिड़िया की आत्मा से मत उलझना। इतना कहकर तांत्रिक बोतल में कैद भूतिया चिड़िया की आत्मा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक की बात मानकर बंटी और हरी तोता सुधर जाते हैं और गलत काम करना छोड़ देते हैं।